ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? आपने कभी पूछा अपने अपने आप से कि मीडिया 24 घंटा कभी कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे? कभी आपने देखी है, कभी टीवी में देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। सही बात है ना? सही बात, कभी नहीं दिखेगा। इसका कारण है भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मतलब पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाइयों और बहनों, ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आज में आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं, नाम बताओ? देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है, ये सच्चाई है। और ये पूरा का पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी, मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका जेब, आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में, तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा हैं उनकी ओर जाना चाहिए। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा, मैंने इंजीनियरिंग की, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा, मैंने आईएएस के लिए तैयारी की, मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। पूछो क्या किया, पढ़ाई की, कितने साल की, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ? आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं, पकौड़ा बनाता हूं। बेरोजगारी क्यों आई मैं आपको बताता हूं। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान, और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में है, और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 35 को देता है, और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं,
ये 24 घंटे लगे रहते हैं, बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। हिंदुस्तान के 2-3 अरब पतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसे दिया जाता है। ये बैंक के सामने जाते हैं, इनको धकेल के निकाल दिया जाता है, राइट? अब क्या ठीक है, बैंक का पैसा नहीं दिया तब भी मान ली बात, मगर फिर क्या किया, फिर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की और प्रधानमंत्री ने गलत जीएसटी लागू की। भाई और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को और किसानों को मारने के हथियार है ये। और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल सकता, सवाल नहीं उठता, क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी। किसके लिए तोड़ी? इनके जो मालिक हैं उनके लिए तोड़ी।